यहाँ तो कहीं है ही नहीं। अरे मैं तो बस आपका पिछवाड़ा देख रहा था। ये रहा वॉलेट। नाइस ऐस। शिट। नमस्ते, मेरा नाम राजा गोपाल होता और आज एक मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है लिटरली क्राइम फॉर व्यूज। ये स्लेप पॉइंट की तरफ से एक और नया वीडियो है, तो लोग देखते हैं कैसे रोते हैं, व्यूज के लिए किस टाइप में रोते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे नो तो पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। अगर स्लेप पॉइंट के बहुत बड़े फैन हो और तुम्हें मेरा ये प्यारा सा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, ठीक है? अच्छा लगे रिएक्शन वीडियो तो दबा देना। तो वीडियो स्टार्ट बन जाता। वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देर के लेट्स गो। दोस्तों आज आंखों से बाढ़ आने वाली है। हाँ? प्ले बटन तो आते रहेंगे। बर्गर मंगाओ, उसे फेंक दो और टिश्यू उठा, क्योंकि माहौल बहुत ही सेंटी होने वाला है। मैं तो तैयार हूँ, खुद ही टिश्यू रोल बन के आई हूँ। क्योंकि हम ट्रेंडिंग पेज खोलेंगे जहाँ सिर्फ एक ही चीज चल रही है, इमोशनल स्टोरी। हार्ट टचिंग इमोशनल, हार्ट टचिंग इमोशनल, इमोशनल सैड, हार्ट टचिंग कॉन्सेप्ट। प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। इसमें गिरे हुए आंसुओं से कल नहा लूंगा। हार्ट टचिंग, हार्ट टचिंग, हार्ट टचिंग, हार्ट टूटिंग, हार्ट टच टचिंग। भाई दिल में छेद हो गया इतनी बार टच टूच टिच करके। इन्हें लगता है दिल से धड़क नहीं, ये आवाज आती है। ओ, तो ये लो हार्ट टचिंग कॉन्सेप्ट। तुम भी चला रहे हैं सिगरेट पीने? मैं भी एक पी ही लेता हूँ, एक से क्या हो रही है। चलो भाई पींगे। अरे अभिषेक उपमन्यु, चलो भाई पींगे। दारू पिया क्या? नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया। हाँ, तो पिया है, मुझसे कह रहा मत जा। मैं कह रहा हूँ ना मत जा, मैं तो जाऊंगा। हेलो भाई, नुमान इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो तो मेरे, लेकिन वो तो मेरे। सडनली चीटियों ने चड्डी में हमला बोल दिया। दुनिया में नहीं रहा। नुमान अब भूत बन के लात मार रहा है। लेकिन वो तो मेरे मस्त दिख रहा है खिसकते हुए। बेस्ट भूत इन सपोर्टिंग रोल। गौतमी नहीं रही, पर गौतमी तो मेरे साइड में ही है। पहले बहुत लेट हो रही है भाई, माँ की तबीयत खराब हो रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि तेरी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन यार मुझे दीपिका पादुकोण के बर्थडे में जाना है। अगर मैं नहीं गया तो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। इंटरेस्टिंग टचिंग स्टोरी। मुझे मेगन फॉक्स के मुंडन पे जाना है वरना वो डिवोर्स कर देगी। दीपिका पादुकोण के बर्थडे में जाना है। कोरियों की रासलीला खेल के उड़ा देगा आपको। दीपिका रणवीर से सीधा ये मुरझाया हुआ अक्षय कुमार। दीपिका सोच के ओयो जाते हैं जाको दीपेंद्र इनकी किडनैपिंग कर लेता है। वेलकम, बर्थडे मेरा है। प्लॉट ट्विस्ट। अरे मैगी तेरा भाई। ये 100-200 मिलियन लोगों का एक साथ छू रहे हैं दिल। उसे लड़कियों ने नहीं तो कम से कम इन्होंने तो छुआ। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। ये अच्छा मैसेज देने निकलते हैं और दो कदम बाद बेवकूफी के खड्डे में गिर जाते हैं। जैसे यहाँ भाई रोज खुद की तनख्वाह से सिगरेट खरीदते हैं। सिगरेट देने, सिगरेट देना। और तोड़ के ऐसे गंदगी फैलाते हैं जैसे बाप की सड़क हो, जिसका रीजन है तो सिगरेट लाता तोड़ देता है, ज्यादा पैसा आ रहा है तेरे पास। इसी सिगरेट पीने की वजह से मेरे भाई की मौत हो गई और मैं नहीं चाहता कि इसी सिगरेट से अब किसी और के भाई की भी मौत हो। भैया चार सिगरेट देना। छह सिगरेट तोड़ के बचा ली पूरी दुनिया। ग्लोबल शॉर्टेज कर दी भाई। मुकेश वापस जिंदा हो गया। सिगरेट ही खत्म। मैं नहीं चाहता कि इसी सिगरेट से अब किसी और के भाई की भी मौत हो। तो सिगरेट की सेल इतनी बढ़ा दी कि कंपनी 5 गुना और बनाने लगे। प्रॉफिट ही हो रहा है, तुम तो उनके कस्टमर बन गए ना। भगवान भी सोच रहे कि इसकी भाई के जगह तो इससे उठा लेता। भैया दो सिगरेट दे, भैया चार सिगरेट देना। भैया गुटका दारू बीड़ी जो है सब भिजवा दो। ए? अरे मम्मी दुनिया बचानी है, मैं पूरे दुनिया का पी जाऊंगा तो दुनिया क्या पिएगी। नो स्मोकिंग मैसेज ठीक है, बट ये बताने का तरीका इतना गलत। मेरे 2 थप्पड़ मार दे अपना बेटा समझ कर। और इन भाई को सिखाना था कि खाना वेस्ट मत करो, तो उसके लिए बगल की टेबल पे कोई खाना छोड़ जाए। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो उसका ही खाना उसी के चम्मच से फूसने लग जाओ और अपना ऑर्डर कैंसिल कर दो। भैया एक प्लेट मत लगाना।
किडनी टच है क्या? कुछ तो टच हुआ फाइनली। क्या भैया एक प्लेट मत लगाना। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। सोचो वो दो मिनट में काम निपटा के आए और यहाँ पूरी प्लेट चट। वेट तो भाई मेरा खाना। साइड में वो awesome. प्लेट छोड़ के बाथरूम भी नहीं जा सकते। वहाँ प्लेट क्या खाली करो, ये यहाँ प्लेट खाली कर देगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नजर आटी दुर्घटना घटी, यही खाना पड़ रहा है। जो अपने खानदान का झूठा ना खाए वो अनजान लोगों का झूठा खाना सिखा रहे कोरोना के टाइम पे। हॉस्पिटल टचिंग वीडियो। मेरे दो थप्पड़ मार दे अपना बेटा समझ कर। इंसानियत एंड इमोशनल स्टोरी। रेडी भाई तू मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? लस्सी बेच रहे तो शर्मा रहा है क्या? बहुत से कस्टमर मुझे शिकायत कर रहे हैं कि तू अपने काम से शर्माता है। मैं इस काम से नहीं बल्कि अपने इस डल चेहरे से शर्माता हूँ। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बस इतनी सी बात। ये देख, ये रहा मुस्टैच का फेस वॉश और स्किन ऑयल। इसे लगाने से तेरे चेहरे के सारे टैन रिमूव हो जाएंगे और चेहरे पर वापिस कर मेरी सिंपथी। इतना इमोशनल वीडियो था कि पहले के आंसू भी सूख गए। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बस इतनी सी बात। पिछवाड़े से निकाल के फेस वॉश। यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, बंदी छोड़ गई। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। फेल हो गया। अरे भाई तू लगा ना फेस वॉश। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। बस इतनी सी बात। क्या लग रहा हुआ। किसी से इज्जत पाने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं, पैसे वाला दिखना बहुत जरूरी है। कितना गंदा सबक। एक लस्सी बना। पता चला अमीर लगने के चक्कर में कल से सूट टाई सनग्लास पहन के आ रहे लस्सी बेचने। ठेले पे ऐसे मिट्टी का ग्लास उठा हुआ। पैसे वाला दिखना बहुत जरूरी है। भैया कैश लोगे कि यूपीआई? बिटकॉइन। यो पैसे वाला दिखना बहुत जरूरी है। इसी से इज्जत पाने के लिए। इज्जत की बात वो कर रहा है जिसने घंटे जैसा थोबड़ा बजा दिया था। इन्होंने लॉजिक को थैली में डाल के कचरे के ट्रक में फेंक दिया है। कुछ भी हो रहा है भैया। प्लीज एक व्हाइट शर्ट और ब्लू पेंट दिखाना। भैया मेरे पास व्हाइट पेंट 1000 रुपए की है और ब्लू शर्ट 700 रुपए का, तो आपके टोटल 1700 रुपए हुए। शुक्रिया भाई। क्या लेने आया था, क्या बेच दिए? भैया एक प्लेट डोसा और एक कटोरी सांबर। ये आपका एक प्लेट सांबर और एक कटोरी डोसा। अरे अरे हॉट टचिंग ह्यूमर कोर्ट टचिंग। इतने सीरियस मैसेजेस देने हैं तो ढंग से दो भाई। रोने वाले वीडियोस हैं और हमें हंसी आए जा रही है। मेरे दो थप्पड़ मार दे अपना बेटा समझकर। अब इन्हें लगता है कि पूरा संसार एक ही काम में लगा हुआ है, दादागिरी या चोरी की प्लानिंग करने में। तो ये उसी का सबक दिए जा रहे। कस्टमर पानी पूरी खा के बिना पैसे दिए जा रहा था। भैया पैसे? अबे हमको जानता, हमसे पैसे लेगा? तो ये चार साइज छोटी शर्ट पहनने वाले आते हैं, खाते हैं और बाकी लोगों का पैसा खुद भर देते हैं। भैया खुले पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भैया, ये आपकी मेहनत के पैसे आप रख लो। कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। चोर सामने ही था तो पकड़ लेते, पर नहीं, हमने तो सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए इतनी बॉडी बनाई है। ये लोग जो गलती करता उसको सबक नहीं सिखाते, उसकी गलती की खुद भरपाई करते हैं। लोगों ने पैसा देना ही छोड़ दिया कि ये आके भर देंगे। ये बिना जाने चोरों को ट्रीट दिए जा रहे हैं यार। कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। हाँ सिर्फ अमीरों का दुखाओ, क्योंकि वो तो नोटों से पोंछ लेंगे आंसू। मेरे दो थप्पड़ मार दे अपना बेटा समझ कर। ये मीम बार बार क्यों? भैया कितने हुए? 20 रुपए। भैया शायद मेरा पर्स घर पे रह गया है, तो मैं इसके पैसे थोड़ी देर से ला के देता हूँ आपको। ये रख लो पैसे, मैं मेरी तनख्वाह में से कटवा दूंगा। अरे भैया मैं तो आपका दिल देख रहा था और आपने तो मेरा दिल जीत लिया। तो ये बारिश में घर से लोगों का बस दिल देखने निकलते हैं। मैं तो आपका दिल देख रहा था। छाता कभी दिल छू रहे हैं, कभी दिल देख रहे हैं, कभी आंखें देख रहे हैं, क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। मैं तो आपका दिल देख रहा था। भाई मेरा वॉलेट गिर गया होगा, देखना प्लीज। भाई यहाँ तो कहीं है ही नहीं। अरे मैं तो बस आपका पिछवाड़ा देख रहा था। ये रहा वॉलेट। नाइस ऐस। ओह शिट। ये लड़की भी चॉकलेट शेक मंगाती है, पूरा पी लेती है और फिर जैसे ही पैसे देने की बारी आई। एक्चुअली भैया मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं मैडम, आपका बिल मैं पे कर दूंगा। इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। भैया
मैं तो मजाक कर रही थी, मैं आपकी इंसानियत चेक कर रही थी। ये चॉकलेट शेक के पैसे और ये आपकी टिप। टचिंग वीडियो। मैं आपकी इंसानियत चेक कर रही थी। आजकल भगवान की जगह शॉर्ट्स वाले ही ले लेते हैं इंसानियत टेस्ट, और इंसानियत टेस्ट जीतने के लिए प्राइज मनी रुपए और ये आपकी टिप। भाई इतनी बकलोली सहने के लिए कम से कम 500 तो बनते हैं। लड़की के टेस्ट में तो सब पास होंगे। मैं अगर बोलता मैं पैसे लाना भूल गई हूँ तो मुझे कॉलर से पकड़ के मेरी जीप से पोछा लगवाते, मुझे वैक्यूम क्लीनर बना के चुसवाते धूल। मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। गाजियाबाद में ये टेस्ट करने निकले तो इंसानियत दिखने से पहले कट्टा चाकू दिख जाएगा। किसी ने मेरा पर्स मार लिया है भाई। सुना था दिल्ली दिल वालों की, आज देख भी लिया। ये लो अपने पैसे। अरे मैं बस चेक कर रहा था, मैं बस चेक कर रहा था। ये चेक ही करते रहोगे यार। मैं आपकी इंसानियत चेक कर रही थी। मैं तो आपका दिल देख रहा था। मैं बस चेक कर रहा था। एक बार मेरा निशाना भी चेक कर लो। लास्ट एग्जाम दे के घर आ रही थी, रस्ते में 3 और टेस्ट हो गए। 2 रुपए का ऋतिक, 10 रुपए 2 रुपए का। भाई ये एड्रेस कहाँ है? इंटरव्यू के लिए आए हो क्या? आगे से राइट। थैंक यू। अरे भाई बाथरूम में खड़े हो, आगे से राइट कमोड है कि इंटरव्यू में तो हगने ही वाले हो, यही हग लो। थैंक यू। हाय सर, आपको ये जॉब पाने के लिए 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। हैं इतने पैसे? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। आपके पास भी नहीं है सर। आप ताज के कपड़े पहन के बर्गर किंग में इंटरव्यू लेने नहीं बुलाते। पैसे नहीं हो तो आप जा सकते। क्या हुआ भाई? ये अभी भी वही है, बाथरूम की टाइल्स गिन रहा है। क्या हुआ भाई? नहीं हुआ सेलेक्ट यार। इस जॉब में कुछ नहीं रखा है, एक काम कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। हाँ पता है, समझ गई। अब ये करोड़पति बन जाएगा, हेलीकॉप्टर से उतरेगा और इंटरव्यू वाले पे थूकेगा। हो गया तुम लोग का हार्ट टचिंग, समझ गए। एक काम कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। क्या बिजनेस से बेटा, स्माइल तो ऐसे थी जैसे प्राइवेट जेट ऑर्डर होने वाला है। पर सर आपका ऑर्डर। एक काम कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। इसीलिए बाथरूम में खड़े लोगों से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। योर बिल। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों? ये आपके रिश्वत के पैसे हैं। जब आप अपनी मेहनत से कमाओगे तब मुझे दे देना। तो तब तो पैसे नहीं लेगा? नहीं। अरे अच्छा है, तब तो कभी मेहनत का नहीं कमा रहा भाई, लाइफ टाइम फ्री फूड। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। चल 2 और प्लेट बिरयानी लेके आ। थाली रेडी रखियो कल 100 लोगों के लिए। जब आप अपनी मेहनत से कमाओगे तब मुझे दे देना। जब कमाऊंगा मेहनत का दूंगा ना, कभी नहीं दूंगा। इसको वो जॉब मिली नहीं, ये जॉब भी चली गई। ऐसी घटिया स्टोरी है जहाँ हीरो हगते ही जा रहे हैं। थैंक यू। टॉयलेट टचिंग। थैंक यू। लेजेंड सेज ये आज भी वही टॉयलेट में हगू लाइफ एडवाइस बांट रहे हैं। एक अनाथ की कहानी जहाँ बच्चे को गाड़ी साफ करते देख हमारे इंसानियत के देवता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये ले तेरे पैसे, और ये हमारे होटल का कार्ड है, थोड़ी देर बाद इस एड्रेस पे आना, काम है तुझसे। भाई तो आँखों में उम्मीद लिए बच्चा होटल आता है और ये यहाँ अब उससे टेबल साफ करवाता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। टचिंग। आज से तू रास्ते पे लोगों की गाड़ी साफ नहीं करेगा, क्योंकि आज से तू टेबल साफ करेगा। तो क्या फर्क पड़ गया? ये तो सेम ही काम कर रहा है। झाड़ू मारने वाले को ताजमहल में झाड़ू मारने लगवा दो तो उसे प्रमोशन नहीं कहते। और ये हमारे होटल का कार्ड है। एक तो होटल बोल के ढाबे पे बुला लिया। ढाबा। एक अनाथ का दर्द सिर्फ एक अनाथ ही समझ सकता है। हाँ, उसका दर्द पढ़ाई करके, स्कूल जाके कहाँ, टेबल साफ करके ठीक होगा। टाइटल थोड़ा ठीक कर दूँ, चाइल्ड लेबर की हार्ट टचिंग। जो बची कुची इंसानियत है ना, वो सब भी मिट जाएगी इनके वीडियोस देख के। बता तुझे किसने हाथ लगाया? साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी ना, तेरा भाई सबसे आगे खड़ा रहेगा। चल हार्ट टचिंग से कौन से टचिंग पे आ गया भाई? बहुत करीबी दोस्ती नहीं हो गई ये? वही तो। बता तुझे किसने हाथ लगाया? तूने भाई, ये हाथ 2 सेंटीमीटर से मिस होता भाई, कुछ और खिंच जाता। अरे रे रे। चल। वो तो पैंट टाइट थी, वरना गेम ओवर। सेम।
बैठ रहे उसको हाथ से ही मार देंगे यार। किसने बोला बैठ कीजिए? मेन पॉइंट टचिंग। फाइनली कुछ तो टच हुआ। यही बन चुका है अब YouTube Shorts, वही सेंटी वीडियोस। भिखारी कहीं का साला गरीब। थैंक यू। विद वही सेम स्टोरी, विद वही सेम डायलॉग्स। दे तो पिज्जा ऐसे रहा जैसे इसके बाप के पैसों का। दे तो ऐसे रहा जैसे इसके बाप के पैसों की हो। बस एक्टर बदल दिए, बन गई न्यू वीडियो। हंसाने से बेटर रुलाना ही। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप नहीं चाहते कि शॉर्ट्स वाले आपके पैंट का बेल्ट खींच के भाग जाए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे आ रहे वो बेल्ट लेने, जल्दी सब्सक्राइब करो। दो थप्पड़ मारते अपना बेटा समझ कर। अरे यार ये माउस सीरियसली यार, मैं लाइक कर रहा हूँ भाई साहब, ये लाइक करो भाई साहब। तो भाई वीडियो ख़त्म। तो वीडियो के बारे में बात करने से पहले मुझे कुछ अपनी दिल की बातें बात करनी है। देखो भाई, माना कि मैं तीन चार मतलब तीन दिन से वीडियो नहीं डाला, तो प्लीज़ कोई अनसब्सक्राइब वगैरह मत करके चले जाना या छोड़ मत देना। अब मेरे को ही कुछ मतलब मेरे को ही खुद कुछ कंटेंट नहीं मिलता, तो कैसे रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा? रिएक्शन चैनल चलाता हूं इसीलिए। और एक पता नहीं बात सोच रहा हूं कि बताऊं कि नहीं बताऊं, मेरे घर में जो गार्डन है ना भाई, वहां चोरी होने की कोशिश हुई थी वैसे, बट वो पकड़ा गया था वो भी एक एक करके इसीलिए। और कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए यार। और बाय द वे अगर तुम लोगों को कभी रिव्यू वगैरह चाहिए तो बताना। मैं कोबरा का ही देख रहा हूँ भाई साहब, बहुत अमेजिंग शो है, खतरनाक है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो फाइनली फिर देखा, चलो स्लेव पॉइंट का वीडियो आ गया, ये फाइनली मुझे भी कुछ कॉन्टेंट बना ली रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए। तो बात करते हैं भाई, वीडियो कैसा था? वेरी इंटरेस्टिंग बोले तो बहुत एंगेजिंग, एंटरटेनिंग था, इतना एंटरटेनमेंट मिला, इतना एंटरटेनमेंट मिला, मैंने सच में नहीं सोचा था भाई यार सीरियसली। हाँ थोड़ा थारा भाई जोगिंदर जैसे टाइप में बोल रहा हूँ, उसके फैंस काफ़ी है ना इसीलिए, पर मेरे को पता है ये ओल्ड हो चुका है। बट सच बात बोलूँ यार, मैंने जैसी वीडियो शुरू करा एंड तक देखो भाई, पता ही नहीं चला, इतना फनी था ना भाई, इतना मज़ा आया ना भाई सब। और जब इन्होंने कल डाला था लिटरली क्राइंग फॉर व्यूज़ करके, मेरे को लगा आधे से ज़्यादा रोने वाला टाइप होगा, लड़की ने धोखा दे दिया, लड़की ने धोखा दे दिया, काट के चलेगी, ज़्यादा मतलब इमोशनल है और रोते रहेंगे भाई साहब, उतना भी नहीं था वैसे। बट इनका रोस्टिंग की वजह से और मज़ा आया, और इन्होंने जो जो शॉर्ट्स चूज़ किए थे ना भाई साहब की, वो बहुत अच्छा लगा था। और रही बात वो वाली कि मैं जॉब के लिए आया था करके इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, वो मैंने देख रखा था पहले भी कुछ वीडियोज़ में, देखा था रोस्टिंग वीडियोज़ में। मेरे से पूछोगे मैं मेरे को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, तो दो तो बहुत अच्छा लगा भाई, सच में बोलूँगा। सबसे पहले ऐसा कूदने वाला, ओ भाई सब सबसे बेस्ट वो था। और अबू दे जब भी कर रहा था ना भाई, मज़ा आ गया। उसको बीच बीच में जब भी डाल रहे थे ना अलग अलग सीन में भाई साहब, वो ऐसे कूदने वाला इफेक्ट, ओ भाई साहब मस्त लगा। तो दूसरा था बेल्ट वाला भाई साहब, सीरियसली अनएक्सपेक्टेड सीन था, यूँ मतलब सुर ऐसे यूँ खींचो और बेल्ट हाथ में आ भी गई थी। और रही बात भाई मेरी ले लो, चलो सच बता देता हूँ करके, मैं जब भी घूमने जाता हूँ मैं भी बेल्ट पहनता हूँ, सब तो पहनते हैं, मेरा पैंट लूज होता है, ऊपर खींचते रहना पड़ता भाई साहब। और ये बंदे ने एक सेकंड में सुर खींच दिया, जैसे धागा खींच रहा हो या कुछ मोटर चलाने करके, और उसको कुछ हुआ भी नहीं भाई, आराम से मस्त कड़ा। पता नहीं कहाँ इतना टाइट पैंट मिलता है, मुझे भी बताओ यार सीरियसली भाई, खतरनाक था। और वो भी बहुत अजीब सा था करके, मतलब एक बच्चे को बुलाता है अनाथ है करके, पता चलता है करके, ठीक है भाई ये ले होटल का कार्ड, पता नहीं कहाँ से कार्ड मिला, कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड दे दिया होगा, बोल रहा ये एड्रेस पे आ जाना, आते ही टेबल साफ करा, उन्होंने खुद रोस्ट कर दिया भाई, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सच में बहुत इलॉजिकल और इरिटेटिंग टाइप वाला शॉर्ट्स था भाई, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को लगा वो बाद में उसको गोद वोद ले लेगा भाई, मेरे को लगा ठीक है आजा मैं तेरे को पाल लेता हूँ, मैं तेरा बाप बन जाता हूँ, मतलब ऐसे ही सौतेला टाइप में करके कुछ, ये अलग ही स्टोरी है। ढाबे में बुला के ऐसे से भाई टेबल पहुँचा रहा है, ये क्या है यार, अच्छा वो उन्होंने एडिट करते हुए डाला था चाइल्ड लेबर की कहानी, ओ भाई सब मस्त था वैसे। और अनाथ नहीं अनाथ होता है वैसे भाई सीरियसली। और एक चीज़ थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था, पर कोई नहीं अच्छा था करके, कोई नहीं मुझे अपनी माँ समझ, मेरे को अपनी मतलब मुझे अपना बेटा समझ के एक थप्पड़ मार देना, कौन सा सीन था, मेरे को लगा उसका भी रोस्ट होगा करके इसलिए, पर बार बार डाल रहे थे भाई सब। और ये भी एक अजीब सा चीज़ है सर, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ना इंसानियत चेक कर रहा था आपकी करके। और एक तो भाई सच फैक्ट बात है करके, अगर लड़की को दिखा दो या कुछ भी बोलो तो नो प्रॉब्लम भाई, कोई नहीं है करके, लेकिन वैसे लड़का कर इतना हंगामा हो जाता ना सीरियसली भाई यार। जैसे वो लड़की चॉकलेट शेक पी रही थी करके, मेरे पास पैसे नहीं थे ये लो टिप, और ये मैं तो इंसानियत चेक कर रही थी, और वही बेंचो असली में जाके हम लड़के करें
पता नहीं लड़कियों को भी असली में अगर ऐसे जाके वो मजाक में ट्राई भी करेंगे क्या, उनको भी ऐसे रखेंगे, उनको कुछ सजा देंगे भाई साहब? सीरियसली ऐसे ही एक सीन भी मुझे याद आ रहा है, पुष्पा मूवी देखी होगी, मैंने भी देखा, अमेजिंग मूवी था। उसमें वो ऊँ बोलेगा या ऊँ बोलेगा साला करके गाना ना भाई, उसमें ना मतलब लड़कों को मर्दों को मतलब डिसरिस्पेक्ट दिखाए कि हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं, बहुत बुरे इंसान है टाइप में। लोगों ने कमेंट भी किया था करके, ये हमारे पे बना रहा है इसलिए कुछ हो नहीं रहा, वही हम अगर ऐसे ये लिरिक्स वगैरह लड़कियों पे डालते कि इस टाइप का ये वो है करके, भाई फेमिनिस्ट आके हंगामा क्रिएट कर देती भाई। सेम इसी में होता है जैसे अबूदया ने बोला था, अगर मैं जाता तो मेरे को कॉलर से पकड़ के ऐसे वो घिसवारे होते करके, और वो मतलब चूसने के लिए बोलते, वो करने बोलते, चाटने के लिए बोलते भाई साहब सीरियसली। और वो क्लाइमैक्स वाला सीन अच्छा था, जैसे चलता रहता और उसका पैंट गिरने वाला होता करके, अरे नहीं तू दे यार वैसे ही मार लेंगे करके। और मुझे ये भी लग रहा था कि जब वो बोलेगा अरे तेरा भाई तेरे आगे खड़ा, मेरे को लगे मुझे लगा जाके दो चार सुनाएगा अच्छे से पकड़ के मारेगा शॉट्स, फिर खत्म होगा, कुछ अच्छा मैसेज होगा। ये क्या भाई बेल्ट खींच के बस बोल रहा तेरा भाई आगे खड़ा, सीरियसली यार। और इनको तगड़ा तगड़ा व्यूज आते, मैंने भी देखा पता नहीं यूट्यूब में क्या हो गया भाई, अभी मैंने देखा ट्रेंडिंग नंबर वन क्या शॉर्ट, मतलब शॉर्ट्स भाई सब तीन चार शॉर्ट्स अलग से भाई, इनका खुद सिक्स नंबर ट्रेंडिंग में चल रहा है यार शॉर्ट्स में। मेरे को एक अजीब लगता है, मतलब जब देखो फालतू का रोने धोने वाला टाइप में बनाते हैं कि इस लड़की ने धोखा दे दिया, इंसानियत नाम की चीज़ है करके, नहीं तो फनी शॉर्ट्स बनाते हैं, मतलब क्रिएटिविटी है नहीं। और जो लोग क्रिएटिव वीडियोस बनाते हैं भाई उतने ट्रेंड में जा नहीं पाते। बट सच बात बोलूँ तो स्लेव पॉइंट ने अच्छा रोस्ट किया, सॉरी बट मैं ज़्यादा उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, शॉर्ट्स के ऊपर अलग लेवल का भाई कॉमेडी वीडियो। तो मेरे को लगा लिटरली क्राइंग फॉर व्यूज करके मेरे को लगा पूरा इमोशनल वीडियो होगा, मतलब कि नहीं ये रोज तो अच्छा करेंगे, फनी करेंगे, अच्छा कॉमेडी होगा इसमें, बट मेरे को लगा जो जो शॉर्ट्स यूज करेंगे वो बहुत इमोशनल होगा, बट सीरियसली यार उतना इमोशनल भी नहीं था। इन दोनों का रोस्टिंग तो एक नंबर भाई से। और सबसे खतरनाक सीन तो भाई वो भी था, तीसरा सीन कि अच्छा तुम्हें अमीर दिखने की जरूरत है, पैसा वाला दिखने की जरूरत है, ये लाओ मैं यूज़ कर रहा हूँ वाओ का, वाओ साइंस का स्किन केयर टाइप वाला बोल रहा है भाई सब करके, और वो भी यूज़ करती है ऐसे ऐसे अबूदया के। भाई क्या एक्सपेरिमेंट करा है भाई अबूदया ने, मैं सच बोल रहा हूँ उस बंदे को सल्यूट है यार, वो इतना तगड़ा तगड़ा एक्सपेरिमेंट करते ना अपने ये रोस्टिंग वीडियोस में भाई, सीरियसली मजा आ गया यार। दोनों ही खतरनाक है, चाहे अबूदया को ले लो गौतमी को ले लो, गौतमी बैठे बैठे तो खतरनाक रोस्ट करती है और अबूदया तो करता है, बट उस वो जो रिस्क लेता है स्टंट्स करता है वो भी खतरनाक है। तो ओवरऑल बोलूँगा भाई, ज़्यादा लंबा हो गया होगा पर कोई नहीं, ओवरऑल बोलूँगा बहुत मज़ेदार, लगातार मज़ेदार, फनी, एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग है भाई। पूरा 15 मिनट का वीडियो था, मेरे को लगा बहुत बड़ा होगा करके, पर एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुआ, मैंने टाइम ही नहीं देखा ना, मेरे को पता चला था ना माउस से हिला भी था कि टाइम वाइम दिख जाए यार। सीरियसली अमेजिंग वीडियो, मज़ा आ गया, और मैंने ओरिजिनल वीडियो को लाइक कर दिया। उम्मीद है तुम लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया, 3 दिन के बाद डाल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक कर देना ठीक है। अगर स्लेव पॉइंट के फैन हो और मेरे ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जैसे मैंने शुरू में बोला था, दबा देना ठीक है। और भी ऐसे रिएक्शन वीडियो के लिए स्लेव पॉइंट के या स्लेव पॉप के, और बेल आइकन को भी दबा देना, सब्सक्राइब के साथ फ्री मिलता है। तो मिलते हैं फिर किसी और नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तो तब तक ले टाटा बाय बाय।